नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम ई छावनी पोर्टल पर पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं ये सीखते हैं। ई छावनी पोर्टल का लोकार्पण माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा 16 फरवरी 2021 को किया गया था। छावनी परिषद की विभिन्न नागरिक सेवाएं छावनी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिनको आम नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं को पाने के लिए सबसे पहले नागरिक का पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ई छावनी पोर्टल पर जाएंगे, echavni.gov.in। जैसा कि आप देख सकते हैं, ई छावनी पोर्टल के अंदर सभी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड की एक सूची आपके सामने है। आप जिस भी कैंट में अपनी सेवाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप उस कैंट के पोर्टल पर जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी ambala.kent.gov.in खोला। पोर्टल पर लॉगिन सेक्शन के अंदर सिटीजन पर क्लिक करेंगे। सिटीजन सेक्शन के अंदर सबसे पहले भाषा का चयन करेंगे। यदि आप पहले से पंजीकृत है तो अपना पंजीकृत नंबर डालें, यदि नहीं है तो रजिस्टर बटन पर जाकर अपने आप को पंजीकृत करें। अपना मोबाइल नंबर डालने पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी एंटर करने पर आप सीधा सिटीजन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि हम वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हम वाटर एंड सीवरेज टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। सभी आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची हमारे सामने प्रस्तुत है। जिस प्रॉपर्टी के लिए हम वाटर कनेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी से उसको सर्च करेंगे। यदि हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी उपलब्ध नहीं है, तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और अपना ओल्ड प्रॉपर्टी नंबर डालकर भी उस प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करते ही प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल हमारे सामने प्रस्तुत है। कनेक्शन होल्डर की डिटेल्स यहाँ पर आप पंजीकृत कर सकते हैं। डिटेल्स दर्ज करने के बाद हम किस टाइप का कनेक्शन, वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वाटर पर क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ टैप्स प्रपोज्ड में हम नंबर ऑफ टैप्स डालेंगे, पाइप साइज सेलेक्ट करेंगे, वाटर यूजेस टाइप कमर्शियल रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद जो सभी आवश्यक दस्तावेज एक वाटर कनेक्शन के लिए चाहिए, वो हम एक एक करके अपलोड करेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट पोर्टल पर पहले से उपलब्ध है, उसे डाउनलोड करेंगे, अपनी पूरी डिटेल उसके अंदर डालकर और साइन करके उसे दोबारा अपलोड करेंगे। उसके बाद एक एफिडेविट अपलोड करेंगे। ये सभी आवश्यक दस्तावेज है, इनके बिना आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकती। तो ये अभी आपकी पूरी डिटेल इस एप्लीकेशन के अंदर आ गई है। इसमें अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही एप्लीकेशन
जनरेट हो जाएगी और एक एप्लीकेशन नंबर, यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जो कि हम अपने पास सेव कर लेंगे। और इस प्रकार से सिटीजन की तरफ से पूरी कार्रवाई यहीं पर ख़त्म होती है। उसके बाद काम शुरू होता है छावनी परिषद का। छावनी परिषद इस कनेक्शन को अप्रूव करेगी विद इन अ टाइम फ्रेम, और जैसे ही वो अप्रूव होता है नागरिक के पास एक SMS आएगा और वो उस SMS में एक लिंक प्राप्त करेगा जो कि फीस और चार्जेस पे करने का लिंक होगा। उस लिंक के तहत नागरिक अपनी फीस पे करेगा और उसके बाद छावनी परिषद उस कनेक्शन को एक्टिवेट करेगा।